सो हे हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी एक ना मैंगो के हलवे की रेसिपी। आपने बड़े सारे हलवा खाया होगा, स्वीट खाया होगा, बट क्या आपने कभी ना मैंगो का हलवा ट्राई किया है? हलवा या हलवा जो भी कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा ना खाने में ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए इसको बता देती हूँ ना आप लोगों को झटपट इसको बनाना कैसे। जैसे कि घर में ना सडनली कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बहुत ही प्लेन और सिंपल सी रेसिपी आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन हाँ उतने टाइम आपके घर पे जो है एक भी मैंगो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा गिलास से ना 2 गिलास पानी लिया है और इसमें डाल दिया है गुड़ की डली। तो मैं यहाँ पर कुछ 5 से 6 जो है गुड़ की डलियाँ छोटी वाली जो होती है ना वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें गुड़ डालूंगी, मैं शक्कर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए आपको जितना ज़्यादा मीठा रखना है उतना आप लोग जो है गुड़ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गुड़ का जो शीरा है अगर ज़्यादा बन भी जाए तो आप लोग बाद में कहीं और पूड़ी वगैरह बनाने में या फिर चाय वगैरह बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब तक बॉईल कर लेना है, जब तक ना जो गुड़ है वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो जाते, और फिर इसको ना छान लेना है। इसमें जो भी जो बारीक बारीक इधर उधर की जो कुछ मिट्टियाँ होगी ना तो वो मिट्टी जो है वो निकल जाएगी। तो मैंने छान लिया, छान के रख देना है साइड में। और फिर एक लेना है बर्तन और कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम लोग घी का, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। घी का कलर कढ़ाई में बदला बदला सा दिख रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को डब्बा दिखा दिया कि भैया मैं इसी में बना रही हूँ करके घी में, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर आप लोग जो भी ड्राई फ्रूट्स में डालना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश सब कुछ डाल सकते हैं। फ्राई करके थोड़ा सा ऐसे ना शैलो फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और फिर इसमें डालेंगे आटा। यहाँ पर आटे की जो क्वांटिटी है आप लोग अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आटा अगर छोटा परिवार है तो 1 चम्मच आटा जो है इनफ होगा, क्योंकि ये जो है भूनने में पहले थोड़े से दिखते हैं और फिर बाद में ये एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल आटा लेना है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं घर में वही, और इसको ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। टाइम लगेगा लेकिन बनाने के बाद, पूरा बनने के बाद जो इसका प्रोसेस रहेगा ना मैंगो के हलवे का, वो वाकई लाजवाब रहेगा। ऐसा लगेगा कि मेहनत, चलो इतनी मेहनत करी है तो मेहनत जो है मेरी सफल हो गई है, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसको ना ऐसे ही बादामी कलर आने तक, ठीक है, बहुत अच्छे से भून लेना है। दानेदार हो जाएंगे ये, आप लोग जैसे कि वीडियो में देख ही सकते हैं। दानेदार हो जाने के बाद टेंशन नहीं लेना है, जो दानेदार है वो बाद में हम लोग इसमें पानी डालेंगे और पकाएंगे तो ये फूट जाते हैं सारे। फिर इसमें जो हमने पानी निकाल के रखा था, जो हमने पानी बनाया था ना गुड़ का पानी, गुड़ का शीरा एकदम पतला पतला वाला, तो वो जो है इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर आप लोग गुड़ का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग इतने टाइम यहाँ पर ना शक्कर डाल सकते हैं, थोड़ा सा भून ले शक्कर डाल के, और फिर नॉर्मल सा जो वाटर होता है टैप वाटर वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर गुड़ का जो हमारा पानी है वो डालना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से जो है इसको बहुत अच्छे से चलाते रहना है। ध्यान रखना है यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है आपका वो कम होना चाहिए, मतलब कि मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से नहीं चला पाओगे, तेज रहेगा तो जल जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छे से इसको जो है चला लेना है। यहाँ पे मैं गुड़ का पानी यहाँ पर जो है जितना आपको यूज़ करना है उतना जो है आप लोग कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी जो है हर कोई हलवा बनाता है समझ में आता है कितना रखना है कितना नहीं। तो फिर पक जाने के बाद इसमें हम लोग मैंगो का जो पल्प है वो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। एक मैंगो जो होता है मैंने यहाँ पर वो लिया है, मैंगो जो है नॉर्मल वाला लेना है, पका हुआ लेकिन होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, ठीक है। और रेशेदार मैंगो जो है वो नहीं लेना है। मैंगो का जो पल्प है वो हम लोग निकाल लेंगे, निकालने के बाद उसको मिक्सर में जो है ना पीस लेंगे। उसमें शक्कर नहीं डालना है, गुड़ नहीं डालना है, प्लेन ही पीस लेना है। और यहाँ पर जो है डालेंगे 2 चम्मच आटे के लिए एक मैंगो का पल्प जो है वो इनफ होगा, काफ़ी होगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत सारा यूज़ नहीं करना है, एक ही का यूज़ करना है यहाँ पर। बस रेशेदार जो मैंगो होते हैं वो नहीं लेना है, बाकी आप दशहरी और जो नॉर्मल वाले आते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ना टेस्ट के लिए मैं इसमें थोड़ा टेस्ट जो है बदलने के लिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और फिर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जो हमने फ्राई करके रखे थे वो यहाँ पर डाल देना है, और
थोड़ा सा ना इनको जो है और हम लोग पका लेंगे। तो यहाँ पर पकाते पकाते इसकी कंसिस्टेंसी जो है आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा सा से गीला लग रहा है, लेकिन बाद में थोड़ी देर से जो है खाने तक इस ये जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हलवा जो है मैंगो हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। एक बाउल में निकाल लीजिए, गरम गरम सर्व करिए, या फिर जिसको ठंडा खाना पसंद है वो ठंडा भी खा सकता है। फिर ऊपर से कर दी है मैंने गार्निशिंग बादाम की, और आप लोग इसकी जगह पिस्ता वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी जो है मैंगो के हलवे की रेसिपी लगी कैसी है मुझे बताना ज़रूर है। वीडियो अच्छी लगी है ना, कोई भी एक वीडियो, या फिर कोई इस वीडियो के ज़रिए मुझसे जुड़ रहा है, सो प्लीज़ करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छा हलवा बना है, जूसी जूसी हलवा बना है मैंगो का, तो बनाइएगा ज़रूर एक बार। बहुत ही गजब का टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बनाइए खाइए इन्जॉय करिए। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।